हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लास्टिक्स वर्ल्ड। मैं हूँ आलोक और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्रू। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो हम स्क्रू यूज करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रू। जनरली स्क्रू का चार टाइप होता है। ठीक है, पहला होता है जनरल पर्पस स्क्रू, जो कि हम जनरल पर्पस मटेरियल के लिए यूज करते हैं। दूसरा है पीवीसी स्क्रू, तीसरा नायलॉन स्क्रू और चौथा है वेंटेड स्क्रू। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, नाम से ही क्लियर है कौन सा स्क्रू किस पर्पस में यूज करते हैं और क्या काम होता है। तो आइए एक बार फिर डायग्राम के साथ हम आपको एक्सप्लेन करते हैं स्क्रू कैसे होते हैं और क्या यूज होता है उनका। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है जनरल पर्पस स्क्रू। ठीक है, आगे एक चेक वाल्व लगा रहता है, उसके बाद मीटरिंग जोन होता है, कंप्रेशन जोन होता है, फिट जोन होता है। इसमें जो है मीटरिंग जोन जो होता है वो 25-25 रहता है, या फिर इसको 30-30 देते हैं, लेकिन बीच का जो है कंप्रेशन जो है वो 30 से 40% हम देते हैं। ठीक है, ये जनरली हम थर्मोप्लास्टिक के लिए यूज़ करते हैं। थर्मोप्लास्टिक में जनरली पीई के लिए हम यूज़ करते हैं, पॉलीथीन जो मटेरियल होता है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो जनरल पर्पस स्क्रू मतलब इसको जनरल पर्पस में मतलब यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्क्रू के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो स्क्रू है इसको बोलते हैं पीवीसी स्क्रू। ठीक है, पहला था जनरल पर्पस स्क्रू, दूसरा था पीवीसी स्क्रू। इसमें क्या है, पीवीसी जो है वो हीट सेंसिटिव मटेरियल है, और इसमें जो प्रॉब्लम है इसमें एनआरवी नहीं लगा रहता है, नॉन रिटर्न वाल्व जो है इसे स्क्रू में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इस मटेरियल में पीवीसी में बैक प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं रहता है। पीई में बैक प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इस स्क्रू में बैक प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं रहता है, इसके चलते इसमें एनआरवी यूज नहीं करते हैं। और इसका जो ये लेंथ होता है ये पूरा यूनिफॉर्म रहता है, यहाँ ऐसा नहीं है कि वो रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू जैसा यहाँ छोटा फिर आगे बड़ा डायमेंशन इसका जो डायमीटर वो बढ़ता जाता है, नहीं, इसका डायमीटर सब जगह बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थर्ड स्क्रू जो था नायलॉन स्क्रू उसके बारे में। ये है फ्रेंड्स नायलॉन स्क्रू। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। नायलॉन टाइप जो स्क्रू का, जो नायलॉन में स्क्रू यूज करते हैं, उसका फीड जो सेक्शन होता है, ये फीड सेक्शन होता है, इसमें लॉन्ग डीप कट रहता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं गहरा कट है। ठीक है, जो क्या करता है, नायलॉन को थोड़ा गर्म होने में, वार्म अप होने में हेल्प करता है। ठीक है, नायलॉन चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ओवर अ वेरी नैरो टेम्परेचर रेंज। तो सॉलिड से लिक्विड में जब वो चेंज होता है, यहाँ तक सॉलिड रहता है, यहाँ से जब लिक्विड में चेंज होता है, बहुत कम टेम्परेचर गैप में वो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, फीड जोन में ज़्यादा डेप्थ देते हैं, और इसका मीटरिंग जोन, और देखिए कंप्रेशन जोन कितना कम है इसमें, तो क्या होता है वो बहुत कम टाइम लेता है सॉलिड से लिक्विड होने में। इसके चलते हम इसका स्क्रू का डिजाइन अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, हाँ तो ये है चौथे टाइप का स्क्रू, जिसको बोलते हैं हम लोग वेंटेड स्क्रू। पहला क्या था, जनरल पर्पस स्क्रू, दूसरा था पीवीसी स्क्रू, तीसरा था नायलॉन स्क्रू, चौथा था वेंटेड स्क्रू। ये जो है ये क्या होता है, कुछ मटेरियल जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि वाटर मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें हम ये वेंटेड स्क्रू यूज करते हैं। क्या थे कि क्या बात है कि पहले जो था वो प्री ड्राई का जो फीचर था मशीन के साथ वो अवेलेबल नहीं था या बहुत कॉस्टली था, उसके चलते स्क्रू का इन्वेंशन हुआ जिसको बोलते हैं वेंटेड स्क्रू। इसमें जो है प्रोसेस करने टाइम जो मॉइस्चर होता है वो वेंटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है। ये फिट जोन हो गया जहाँ से मटेरियल इसमें इंसर्ट करता है, ये ट्रांजिशन सेक्शन हो गया, ये फर्स्ट मीटरिंग सेक्शन, फिर यहाँ डिकम्प्रेशन होगा और यहीं से वोलाटाइल जो है या फिर मॉइस्चर जो है वो गैस बन के यहाँ से वेंटिंग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड मीटरिंग सेक्शन है, ये फर्स्ट मीटरिंग सेक्शन, फिर सेकंड मीटरिंग सेक्शन, फिर एडजस्टेबल वाल्व है, और फिर ये यहाँ से नोजल के थ्रू इंसर्ट होगा मटेरियल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते रहिए प्लास्टिक सोल्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लास्टिक्स वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।